गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुन्ना सिंह यादव फ्राम सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्केलेटल सिस्टम। मैं इसके पहले आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे स्केलेटल सिस्टम। इसको हम कहते हैं हिंदी में स्टूडेंट्स कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। ठीक है, वी हैव हार्ड बोन इनसाइड आवर बॉडी, डू ऑल बोन्स वर्क टुगेदर। हमारे शरीर में कुछ मजबूत हड्डियां होती हैं, क्या वे एक साथ कार्य करती हैं? एस, ऑल बोन्स वर्क टुगेदर एंड फॉर्म आवर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, सारी हड्डियां एक साथ कार्य करती हैं, हमारे शरीर में जो स्केलेटल सिस्टम है इसका निर्माण करती हैं। इट्स अमेजिंग दैट एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ऐसा माना जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, और आप लोग इस फिगर को देखिए ध्यान से। ये फिगर है ह्यूमन बॉडी का, और ये इसे हम जिसे आप हेड कहते हैं, तो इस पर एक इसे हम इंग्लिश में स्कल यानी खोपड़ी कहते हैं। ठीक है ना, यह एक स्ट्रांग कवच होता है जो हमारे ब्रेन की रक्षा करता है, है ना? ये आपका है रिब्स, जो चेस्ट की बोन्स हैं उसे हम रिब बोलते हैं, कि संख्या 24 होती है स्टूडेंट्स। 12 इधर होते हैं राइट साइड में, 12 लेफ्ट साइड में होते हैं। ये आपका है बैक बोन, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो हमारे इस शोल्डर कंधे से लेकर ऊपरी हिस्सा स्कल तक यह क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, ये आपका जो है जॉइंट्स हैं, है ना, जहाँ पर आपके जोड़ हैं, बोन्स में जोड़ होता है स्टूडेंट्स, ये आपको जॉइंट्स बोलते हैं इसे। ये आपका पेल्विक रीजन है, ये हाथ की हड्डियां हैं, यह पहली हड्डी है हैंड्स की, इसका नाम है क्या, ह्यूमरस। इस ये आपकी दूसरी हड्डी है, इसमें दो हड्डियां होती हैं रेडियो वाला। ठीक है ना, ये आपका फीमर, ये टीबियो बिहुला, पैर के निचले वाले पार्ट में टू बोन्स होती हैं। ठीक है ना, तो ये आप मानव शरीर का एक कंकाल तंत्र है, इसे आपको देख के समझना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, द बोन्स फॉर्म ए फ्रेम वर्क ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड स्केलेटल और स्केलेटल सिस्टम। देखिए, कहने का ये अर्थ है स्टूडेंट्स, ये हड्डियां हमारे शरीर की एक रचना का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, ये फ्रेम वर्क है, एक फ्रेम, एक मॉडल बन जाता है, और जिस पर मसल्स इंक्लूड हो जाती है ना, तो इसमें बहुत सारी आर्टरी और वेंस कार्य करती हैं, जो स्मॉल क्लासेस है इसमें आपको इतना ही जानना है कि ये हड्डियों का ढांचा ही क्या कहलाता है, स्केलेटल सिस्टम कहलाता है स्टूडेंट्स, है ना, कंकाल तंत्र बोलते हैं। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, यह हमारे शरीर को क्या करता है, एक रूप देता है, एक सपोर्ट करता है, है ना, कि शरीर जो हमारा एक गट्ठर जैसा ना होने पाए, है ना, हर जगह बोन लगा के बोन बनी हुई है, और ये इसको एक मॉडल रेडी कर देता है। ठीक है, इट्स प्रोटेक्ट्स आवर सॉफ्ट एंड डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन सच एज स्टमक। इट प्रोटेक्ट्स आवर सॉफ्ट एंड डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो आंतरिक अंग हैं, है ना, उनकी रक्षा करता है, जैसे स्टमक है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, एंड सो ऑन। कंकाल तंत्र ही मेरी रक्षा करता है ना, पेट का, ब्रेन उसके नीचे, हार्ट है, लंग है ना, उसको सेफ्टी रखता है, उसका एक सुरक्षा का पार्ट कह लीजिए। द बैकबोन होल्ड्स ऑफ द नेक एंड हेड, है ना, ये रीढ़ की हड्डी क्या करती है, गर्दन आपका सर वो क्या करती है, स्टैंड स्ट्रेट, है ना, इसको सीधे रखती है। अब हम आएंगे मस्कुलर सिस्टम, हमारा जो ये मस्कुलर सिस्टम है, मांसपेशीय तंत्र जिसको कहते हैं, ऑल मूवमेंट्स इन अवर बॉडी
इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स। हमारे जो गतिविधियाँ होती हैं मांसपेशियों द्वारा नियंत्रण में आती हैं। देयर आर ओवर 650 मसल्स इन अवर ह्यूमन बॉडी स्टूडेंट्स। इसको आप लोग देखिए याद करना पड़ेगा, इसे 206 बोन होती हैं, है ना। तो मसल्स कितनी होती हैं, 650 यानी 650। दे आर अंडर स्किन एंड कवर्ड विद बोन, है ना। यह मसल्स क्या होती हैं, आपकी चमड़ी के अंदर होती हैं और जो ढकी रहती हैं, है ना, वो किस, है ना, जो ढक देती हैं बोन्स को, हड्डियों की, है ना। इससे हड्डी को सपोर्ट मिलता है। ऑल ऑफ आवर मसल्स टुगेदर मेकअप द बॉडीज मस्कुलर सिस्टम। सबको एक साथ मिला के हम उसको क्या कहते हैं, पेशी तंत्र बोलते हैं, है ना। इट वर्क्स विथ स्केलेटल सिस्टम टू अलाउ अस टू मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना। इट वर्क्स स्केलेटल सिस्टम, यह कंकाल तंत्र के साथ कार्य करता है और हमको यह क्या करता है, फ्री कर देता है, अलाउ करता है टू मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, जिससे हम अपने बॉडी को इधर उधर क्या कर सकते हैं, या शरीर के विभिन्न अंगों को हम घुमा कर मूवमेंट में ला सकते हैं, ठीक है। फिर आइए देखते हैं, ये आपका फिगर है स्टूडेंट्स, ये भी ये आपका नर्वस सिस्टम का फिगर है, है ना। नर्वस सिस्टम क्या है, इज अवर ब्रेन आल्सो ए पार्ट ऑफ एनी सिस्टम। क्या हमारा मस्तिष्क भी शरीर की किसी का एक तंत्र है, तो ये है। अवर ब्रेन नर्व्स एंड स्पाइनल कार्ड टुगेदर मेक अवर नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को एक साथ मिला के हम नर्वस सिस्टम के अंतर्गत लाते हैं। जैसे आप लोग को मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका क्या क्या आता है, माउथ है, है ना, आइसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, तो उसी तरह से अभी एक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, इसमें वेन्स आती हैं, ठीक है ना। ब्रेन आता है, स्पाइनल कार्ड है, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर इंटायर बॉडी, है ना। ये पूरी इंटायर होल, यह हमारे पूरे होल सॉरी बॉडी का क्या है, ये कंट्रोल सेंटर पॉइंट है, कंट्रोल सेंटर पॉइंट है ना, जो नियंत्रण में रखता है। आपका बॉडी भले ही स्वस्थ है लेकिन ब्रेन सही नहीं है, तो आप गड्ढे में पैर रख रहे हैं, या सड़क पर पैर रख रहे हैं, या किसी डेंजरस प्लेस पर रख रहे हैं, है ना, इस तरह का आपका जो ये सेंसिटिविटी है कार्य नहीं करती है, तो आपका जीवन जो है खतरे में पड़ सकता है, है ना। तो यह आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, है ना, ठीक है। अवर ब्रेन यूजेज इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स फ्रॉम अवर नर्व्स टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ आवर एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए, अवर ब्रेन यूजेज इंफॉर्मेशन, ब्रेन क्या करता है, सूचनाएँ कोई करता है, सुनता है और रिसीव भी करता है, नर्वस सिस्टम को बताता है, कोऑर्डिनेट्स हेल्प करता है, सहयोग करता है एक्शन और रिएक्शन, है ना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सूझबूझ, है ना। यही एक मनुष्य का ब्रेन ही मनुष्य, इसीलिए मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा जाता है, है ना। ये आप है आपका ये, चलिए अब इतना हम लोग मैंने आपको बताया, तो इस फिगर को आप ध्यान देखते हुए, ये फिगर आपका ब्रेन है, ये नर्व्स हैं, नर्व नसें, और ये स्पाइनल कार्ड है ना, ये रीढ़ की हड्डियाँ हैं जो स्टूडेंट्स जो हमारे स्कल को सपोर्ट कर देती करती हैं, ये नर्व्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है ना, ये नीली नीली दिखाई देती हैं सब नर्व्स हैं। ये ब्रेन आपका है जो पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स, ब्रेन ही पूरी बॉडी की एक्टिविटी कंट्रोल करता है, आपके अंदर थिंकिंग करने और अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी उसको डेवलप करता है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।